स्वागत है मेरे चैनल लॉजिकल एडवाइस में। दोस्तों आज हम आए यहाँ पे चेतक फेस्टिवल में। जो ये जो फेस्टिवल है दोस्तों सारंगखेड़ा विलेज में मनाया जाता है दोस्तों, जो आता है नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र का ये डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों। तो आज यहाँ पे हम आए दोस्तों, ये गांव, ये फेस्टिवल की विशेषता है दोस्तों। ये फेस्टिवल घोड़ों की वजह से जाना जाता है दोस्तों। यहाँ पे मोर देन 3000 या उससे भी ज़्यादा यहाँ पे घोड़े आते हैं दोस्तों। अलग अलग प्रजाति के इसमें घोड़े आते हैं, अलग अलग ब्रीड के घोड़े आते हैं। कुछ घोड़ों की विशेषता रहती है दोस्तों, कुछ रेसिंग में अच्छे होते हैं, कुछ डांस के लिए अच्छे होते हैं दोस्तों। यहाँ पे उनको ट्रेन भी किया जाता है दोस्तों। तो हर साल यहाँ पे लगभग लाखों रुपये का यहाँ पे व्यवहार होता है दोस्तों। बहुत सारे घोड़े खरीदे या बेचे जाते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो अगर आपको कुछ ऐसा मतलब, ये दिस इज़ द बिगेस्ट हॉर्स मार्केट ऑफ द इंडिया, ये सब हम बोल सकते हैं दोस्तों। क्योंकि हर साल यहाँ पे नियर अबाउट 50 to 60 crores का यहाँ पे घोड़े बेचे या खरीदे जाते हैं दोस्तों। हर टाइप का यहाँ पे घोड़ा आपको मिल जाता है दोस्तों। अगर हमको नाचने वाला चाहिए तो वो भी मिल जाता है, अगर रेसिंग वाला चाहिए तो वो भी हमको यहाँ पे मिल जाता है दोस्तों। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे अभी घोड़ा दिख रहा है दोस्तों, जो ब्राउन कलर का है वो नाच रहा है दोस्तों। और ये जो आजू बाजू उसके जो मतलब ये जो बैंड वाले जो भी है वो बजा रहे हैं, और उसके इशारों पर ये घोड़ा नाच रहा है दोस्तों। उसके पैरों में यहाँ पे घुंघरू लगाए दोस्तों उन लोगों ने। तो जैसे ही वो जो घोड़ सवार है वो उसको इशारे करता है, वो घोड़ा नाचने लगता है दोस्तों। देख सकते हैं छोटे बच्चे यहाँ पे उसको ढोल बजा के वो लोग उसको ट्रेन कर रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे कंपटीशन भी होता है दोस्तों घोड़ों का यहाँ पे कंपटीशन होता है, नाचने का कंपटीशन होता है, रेसिंग का कंपटीशन होता है, बाद में उनकी लुकिंग मतलब किस प्रकार वो दिखते हैं उसका भी कंपटीशन होता है दोस्तों। देख सकते हैं आप किस प्रकार वो घोड़ा नाच रहा है दोस्तों। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है दोस्तों ये, नियर अबाउट एक महीना चलता है दोस्तों ये फेस्टिवल। और यहाँ पे राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, सभी बड़े बड़े स्टेट जो है वहाँ से इधर पे घोड़े आते हैं दोस्तों बेचने के लिए। जिस पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे वो दिख रहा है दोस्तों, किस प्रकार उस घोड़े को उन्होंने सजाया है दोस्तों। और यहाँ पे देख सकते हैं पीछे एक रेसिंग चल रही है दोस्तों, ये पूरा 2 किलोमीटर का एक रेस ट्रैक उन्होंने बनाया है दोस्तों, जो चेतक फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजेशन टीम है दोस्तों। ये जो फेस्टिवल है दोस्तों ये महाराष्ट्र टूरिज्म ने इसको स्पॉन्सर किया है। नियर अबाउट 8 crore rupees उन्होंने यहाँ पे उनको दिए दोस्तों इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं दोस्तों। तो ये जो फेस्टिवल है दोस्तों ये बहुत बड़ा अभी अट्रैक्शन बन गया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर टूरिस्ट भी आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से 2 बजे से यहाँ पे घोड़े दौड़ने चालू होते हैं दोस्तों। तो शाम के 8:30 बजे तक यहाँ पे घोड़े दौड़ते रहते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार उन्होंने इसे पंडाल डाल के रखा है, और यहाँ पे हजारों की तादाद में यहाँ पे घोड़े दोस्तों, नियर अबाउट 3000 horses। देख सकते हैं कितना बड़ा ये जो यार्ड है दोस्तों, नियर अबाउट 5 किलोमीटर का यहाँ पे पूरा उन्होंने घोड़ों के लिए यहाँ पे पंडाल डाल के रखा है। देख सकते हैं बैकग्राउंड में घोड़े भाग रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग घोड़ों को नचा रहे हैं, और यहाँ पे कोई शूटिंग वाले बहुत सारे हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई न्यूज चैनल वाला है, कोई यूट्यूब चैनल वाला है, जैसे हम लोग यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे आए दोस्तों शूट करने के लिए। देख सकते हैं वो घोड़ा किस प्रकार नाच रहा है, ये लोग बैंड बजाते हैं, ढोल बजाते हैं और वो नाचता है दोस्तों। बैकग्राउंड में देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे घोड़े दौड़ रहे हैं, ये देखो। ये लोग यहाँ पे 24 घंटे मतलब 17-18 घंटे यहाँ पे ये से माहौल रहता है दोस्तों, हर वक्त यहाँ पे घोड़े दौड़ते ही रहते हैं, ये लोग उनको ट्रेनिंग दिलवाते रहते हैं। और यहाँ की जनता बहुत प्यार करती है दोस्तों घोड़ों के लिए, क्योंकि लोगों को बहुत ऐसा अट्रैक्शन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि ऐसा इतना प्यारा जानवर अगर ऐसा डांस करता है तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों देखने में। देख सकते हैं किस प्रकार वो नाच रहा है दोस्तों घोड़ा। ये जो एनिमल है दोस्तों ये इंसान को कभी भी कोई डैमेज नहीं करता दोस्तों, ये बहुत शांत स्वभाव के रहते हैं घोड़े, किसी को ज़्यादा तंग नहीं करेंगे, इतनी भीड़ रहने के बावजूद भी कितना शांत है दोस्तों घोड़ा। देख सकते हैं आप कितना प्यारा घोड़ा दोस्तों, यहाँ पे उसको ब्राउन कलर का है दोस्तों, और पैर भी उसके घुंघरू है। हेलो, अरे सर, मैं ऐसा प्रेजेंट लाइक सूचना है,
ये लोग कैसे उसको नचाते हैं दोस्तों, वापस थोड़ी देर शांत बैठ जाते, वापस नचाते, वापस थोड़ी देर शांत बैठ जाते। देख सकते हैं बैकग्राउंड में कितने दौड़े दौड़ रहे दोस्तों। ये जो माहौल रहता है दोस्तों, ये चलता ही रहता है पूरे दिन, यहाँ पे यही होता है। अलग अलग स्टाइल में घोड़े नाचते हैं दोस्तों, उनकी ट्रेनिंग देते हो। मेरे बहुत सारे वीडियो दोस्तों, वो वीडियो भी आप लोग देखना जरूर दोस्तों, अगर आप घोड़ों के शौकीन है तो वो वीडियो भी जरूर देख लेना दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो दोस्तों इसको प्लीज लाइक करो दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और अगर आप यहाँ पे फेस्टिवल को विजिट करना चाहते हो तो कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि ये फेस्टिवल अभी 7 जनवरी तक यहाँ पे खुला रहने वाला है दोस्तों। 12 दिसंबर से 7 जनवरी तक इसका पीरियड है दोस्तों, बंद रहेगा। ये हर साल ये आता है दोस्तों, यहाँ पे दत्त जयंती के अवसर पर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू।